भोजपुरी एक्ट्रेसेस पे चढ़ा है सिंगिंग का बुखार। जी हाँ, आजकल भोजपुरी की हर बड़ी एक्ट्रेस गाने गाने में अपने आप को पारंगत करना चाहती है, लेकिन आइए देखते हैं कि किसका गाना सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो पहले आइए बात कर लेते हैं सिंगिंग की सेंसेशन अक्षरा सिंह की। अक्षरा सिंह को ये तो सभी जानते हैं कि सिंगिंग में महारत हासिल है, उनकी गायकी के सभी दीवाने हैं, क्योंकि अक्षरा सिंह ने लगातार कुछ महीनों से अपने प्राइवेट एल्बम्स और साथ ही साथ हर मौके, चाहे वो सावन का महीना हो, चाहे वो नवरात्रि का हो और चाहे वो छठ का मौका हो, अक्षरा सिंह ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है जहां पर अपने सिंगिंग से वो धमाल मचा सके। और इनकी गायकी लोगों को काफी पसंद भी आई है। उनके गायकी का ये आलम रहा है कि अक्षरा सिंह के गाने टॉप लिस्ट में शामिल हो गए। साथ ही साथ उन्होंने खेसारी लाल यादव, निरहुआ और पवन सिंह को कड़ी टक्कर दी गायकी। अक्षरा सिंह की देखा देखी ही भोजपुरी की भेड़ चाल में सभी एक्ट्रेसेस ने गायकी में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस काजल राघवानी की। जी हां, काजल राघवानी ने पिछले दिनों यानी कि नवरात्र में अपनी नवरात्र की एल्बम लेकर आई, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। अब काजल राघवानी तैयार है अपने छठ के गाने को लेकर। जी हां, अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर उनके गाने नहीं सुने हैं तो आप प्लीज इसे सुनिए जरूर, ताकि आपको ये मौका मिलेगा कि कौन सी भोजपुरी एक्ट्रेसेस कितना बेहतर गा रही है। खैर, अब बात करते हैं आम्रपाली दुबे की। वैसे आम्रपाली दुबे ने ये पहली बार नहीं है जो गायकी में कदम रखा है। इसके पहले भी आम्रपाली दुबे ने फिल्मों में और साथ ही साथ निरहुआ के साथ उनके प्राइवेट एल्बमों में कई बार गाना गाया है और दर्शकों को ये अच्छा खासा पसंद भी आया है। लेकिन आम्रपाली दुबे कोई प्रोफेशनल सिंगर तो है नहीं। खैर, वैसे आजकल म्यूजिक मॉडर्न हो गया है और गायकी में कोई भी हाथ आजमा सकता है, तो इसलिए आम्रपाली भी क्यों पीछे रहे। उन्होंने भी अपने इस टैलेंट को भुनाने के लिए और अंदर से छुपे टैलेंट को बाहर निकालने के लिए गायकी का सहारा ले लिया है। आप आम्रपाली दुबे का भी छठ का गाना आने वाला है, जो कि दर्शकों के बीच बहुत जल्द होगा। और अब बात करते हैं भोजपुरी की हॉट केक अंजना सिंह के बारे में। जी हाँ, अंजना सिंह पहली बार भोजपुरी गायकी में कदम रख रही हैं और अंजना सिंह ने अपना पहला कदम जब उठाया तो छठ के गीत से। आपको बता दे कि अंजना सिंह ने भी जब गायकी के बारे में सोची तो छठ से बेहतर मौका उन्हें अपने गायकी के लिए कोई नहीं लगा। और आज आलम ये है कि अंजना सिंह के छठ के गाने को एक दिन में 2.5 लाख व्यूज मिल चुके हैं। वैसे अंजना सिंह का ये टैलेंट बड़ा देर से बाहर आया, क्योंकि उनके पति यश अच्छे खासे सिंगर हैं। वैसे देखा जाए तो अंजना सिंह ने अपना म्यूजिक एल्बम लाने में काफी देरी कर दी, क्योंकि उनके पति यश तो काफी अच्छे सिंगर हैं और संगति का असर तो पार्टनर्स को होता ही है। अब जैसे देख लीजिए, पवन के साथ रहते रहते अक्षरा सिंह की गायकी काफी निखर गई, खेसारी लाल यादव के साथ रहते रहते काजल राघवानी की गायकी निखर गई और निरहुआ के साथ साथ रहते रहते आम्रपाली भी अच्छा खासा गाने लगी, तो अंजना सिंह ने तो काफी देरी कर दी। लेकिन खैर, हम यहाँ कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। अब तो ये आपको ही तय करना है कि भोजपुरी की इन टॉप एक्ट्रेसेस की गायकी आपको कितनी अच्छी लगी और किसकी गायकी आपको ज्यादा पसंद है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।